दोस्तों, कैसे आप सब? तो आज मैं बात करने वाला हूँ पोको X2 के स्किन्स के बारे में। तो आप अपने पोको X2 में स्किन्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो और ये स्किन आपको कहाँ से परचेज करनी है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जरूर से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यार, अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजंस बताना चाहूंगा कि क्यों आपको अपने पोको X2 में स्किन्स को अप्लाई करना चाहिए। अभी यार, सबसे पहले पोको X2 में आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है, तो पीछे ग्लास होने की वजह से तो इसमें फिंगर स्मजेस वगैरह पड़ जाते हैं। और अगर आप अपने फोन को बिना कवर के बहुत टाइम के लिए इस्तेमाल करोगे तो लॉन्ग टर्म में मैं 100% यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ, इसमें आपको माइनर से स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप अपने फोन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, उसके लुक्स को आप थोड़ा सा और एनहेंस करना चाहते हो, तो आप इसमें स्किन्स को अप्लाई कर सकते हो। अभी मेरे पास ये जो स्किन है, ये मुझे गैजेट शील्स की तरफ से मिला था। तो अगर आपको पता नहीं, तो गैजेट शील्स एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जो स्मार्टफोन के लिए बॉडी स्किन्स वगैरह डिजाइन करती है। अभी यहाँ पर अगर आप उनके वेबसाइट में जाते हो तो आपको काफी सारे वेराइटीज ऑफ स्किन्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी मैं बस पोको X2 के बारे में बात नहीं कर रहा, अगर आप कोई भी दूसरे स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उनके लिए भी आपको काफी सारे स्किन्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप उनके वेबसाइट में जाते हो तो आपको काफी सारे वेराइटीज ऑफ डिजाइन इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी डिजाइन वाले स्किन को अपने फोन के लिए परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, गैजेट शील्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके की पैकिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंटेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले इसमें आपको एक कैमरा लेंस के लिए स्किन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने सेपरेटली ऑर्डर किया था। इसके बाद यहाँ पर आपको फोन के बैक के लिए भी एक स्किन देखने को मिल जाता है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों, आपको गैजेट शील्स की तरफ से एक फ्री टिप वाला कार्ड देखने को मिल जाता है, तो इसको हम अभी के लिए साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपको एक माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अभी दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन के लिए जो व्हाइट कलर का स्टोन वाला जो डिज़ाइन होता है उसके जैसा स्किन परचेज किया था, क्योंकि यार मुझे अपने फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और साथ ही साथ मैंने एक कैमरा लेंस के लिए भी एक सेपरेट एक स्किन को परचेज किया था, क्योंकि यार ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपको बताएं तो पोको X2 में आपको एक बहुत ही बड़ा सा कैमरा बम्प देखने को मिल जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में इसके कैमरा लेंस के ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, अभी मैं इसको अप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ। अभी यार, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है। जो माइक्रोफाइबर उन्होंने दिया था उसकी मदद से आप इसको अच्छे से साफ़ कीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले लेना है इसका बैक स्किन, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कटआउट्स वगैरह आपको पहले इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो आपको कटआउट्स के हिसाब से ध्यान से आपको अपने फ़ोन के ऊपर इसको अप्लाई करना है। और दोस्तों, अगर आप गलती से इसको रॉन्ग भी अप्लाई करते हो तो इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, तो कोई भी गम या रेसिड्यू आपके फोन के ऊपर नहीं चिपकेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ अपने फोन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्किन को अपने फोन में अप्लाई कर चुका हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर हमें हॉट एयर गन या हेयर ड्रायर को लेना है, और इसके मदद से इसमें गर्म हवा को ब्लो करनी है। तो यहाँ पर गर्म हवा ब्लो करने के बाद ये जो स्किन है वो इस फोन के ऊपर अच्छे से बैठ जाएगा। तो अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बैक स्किन हमारी अप्लाई हो चुकी है, तो अभी से हमारा फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है। तो फर्दर प्रोटेक्शन के लिए अभी मैं यहाँ पर कैमरा लेंस वाला जो स्किन है उसको भी यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो इसको डालना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको बस इसको लेना है और आपका जो कैमरा लेंस है उसके ऊपर आपको इसको चिपका देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली हमारा जो स्किन है वो अच्छे से इस फोन के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोको X2 बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो पहले के टाइम पर हमारा फोन कुछ इस तरीके से दिख रहा था, तो काफी एक शाइनी सा लुक था, लेकिन यहाँ पर स्किन अप्लाई करने के बाद ये जो पोको X2 है इसका डिजाइन और भी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी टाइप के स्किन्स को अप्लाई करना है आपके फोन में, तो आप इसको गैजेट शील से परचेज कर सकते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था सब कुछ जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों, मैं बहुत जल्द पोको X2 के लॉन्ग टर्म रिव्यू के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आप पोको यूजर हो तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।